अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह का आगाज़ हो चुका है। मेरा छत पर आई हूँ, पर छत पर सुबह सुबह क्यों आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिए एक पेयर ऑफ शू, ये आपको दिखाऊँ। मुझे बड़े ही प्यारे शूज़ मिले हैं, पकड़ वाले। ये भी देखें, मैं कल ही लेकर आई हूँ मार्केट से, एक लोकल मार्केट से। तो बस मेरे दिल किया कि इनको मैं वॉश करके धूप लगाऊँ इनको पहले, तो ये धूप में रखूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। अच्छे से वॉश किए थे ना, फिर ड्राई नहीं हो रहे थे। और मुझे ये बहुत ही रीज़नेबल मिले, बहुत ही अच्छी प्राइस में। आप वो बताऊँ, ये मुझे 250 में मिले हैं। बस थोड़े बॉयस जैसे लग रहे हैं, बट आई लाइक देम। इसलिए मैं सोच रही थी इनको थोड़ी देर छत के जो है ना सुखा लूँ, वॉश किए थे, सुखा लूँ इनको। यहाँ रखते हैं जी। ड्राई हो जाएंगे तो दिन को ले जाएंगे। चलें जी, हम ये आज आपको मैं अपना स्टोर रूम दिखाती हूँ। हमारा स्टोर रूम है, लाइट नहीं ऑन हो रही। हाँ, हमारा कुछ पुराना सामान है ये सर्दियों का। ये 45 ईयर्स हो गए होंगे इसको बने हुए, अभी इसकी ये हालत है। कुछ बेडशीट्स मैंने अपनी भी यहाँ पे आध धमकाई हैं। और ये देखें ना, सब जगह पुराने सामान वगैरह जो हम वेस्ट नहीं कर सकते, वो सारा सामान हमने यहाँ रखा हुआ होता है। कबर्ड बहुत बड़ी है, ऊपर से नीचे तक। अब ये बल्कि इसका ये टूटा हुआ भी है, मुश्किल से ही बंद होती है। बाकी ये देखें, सब सामान ही सामान पड़ा। मेरे बच्चों के कपड़े अक्सर यहाँ आके लॉस्ट हो जाते, मुझे ढूंढने पड़ते। सिलेंडर जब हमारे घर में गैस नहीं होती सर्दियों में, ये तब के लिए। क्योंकि ये मेरे बच्चों की चीज़ें, साइकिल वगैरह पुरानी, मेरी कारपेट्स थी दो, वो मैंने यहाँ ला के रख दी हैं। ये देखें, पानी की बड़े बड़े बर्तन, जब पानी ख़त्म हो जाए तो ये उसका सबको मज़े की चीज़ है। ये बर्तन, इन बर्तनों को 50 साल से ज़्यादा खर्चा हो गया। ये देखें, मेरी सास के बर्तन है ये, और 50 ईयर्स से ऊपर है। ये देखें बोल भी, अब तो ये बिल्कुल खस्ता हाल हो गए। बट देखिए, कुछ जब शादियाँ होती रही यहाँ पर, तब का सामान पड़ा हुआ है, हर चीज़, प्रिंटर सब ये पुराने आए भी है। कुछ डार्क रूम्स है हमारा ये। अच्छा, बहुत से घरों में ऐसा होता है, पुरानी एक स्टोर रूम टाइप होता है जहाँ पे आप जाएं। अक्सर बच्चे जाते ही हैं क्योंकि यहाँ से मुतलिक कोई ना कोई स्टोरी बनी होती है, कोई हॉरर स्टोरी रिलेट कर ली जाती है। वो इसलिए की जाती है ताकि बच्चे स्टोर रूम में घुसे नहीं, चीज़ों को ख़राब नहीं करें। लेकिन हमारे घर में भी ऐसा ही है, हमारे घर में है दो स्टोर रूम है। मैं किसी दिन आपको अपना स्टोर रूम दिखाऊंगी, लॉक है, किसी दिन दिखाऊंगी, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, वो फिर आपको दिखाऊंगी। बर्ड सुबह सुबह चहचहा रहे हैं। सुबह का नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, और अब मैं दिन की सब्जी वगैरह वॉश करके रखती हूँ। आज एग प्लांट बनेगा हमारे घर, बैंगन, ये देखिए फ्रेश बैंगन। मैंने एक सब्जी अच्छे से वॉश करके
इसको रखने लगी हूँ। ये टमाटर बड़े मज़े के आए हैं, आलू भी। हमारे घर में ज़्यादा वेजिटेरियन था, गोश्त वगैरह इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, कोई भी नहीं पसंद करता गोश्त को, मोस्ट ऑफ पीपल दे लाइक वेजिटेबल्स। और अब मज़े की बात है कि मुझे भी वेजिटेबल्स कई ज़्यादा शौक होता है खाने का। इसमें धनिए में बहुत ही ज़्यादा मट्टी होती है, ये फिर थोड़ा ज़्यादा इसको वॉश करना पड़ता है। ये देखिए योर वेजिटेबल्स आ रहे थी। जो कलर है ना, खास कर ये पुदीना, बच्चे मेरे घर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं। ये क्या किया बेटा, ये देखो नीचे फिर आपने फेंक दिए, उठाओ ये फौरन उठाओ, बुरी बात, नीचे नहीं चीज फेंकते, फौरन से प्लेट में डालो, एक भी नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये देखिए मैंने अपनी बेडशीट चेंज किया आज, बेडशीट जो है उसका कलर आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ये मैंने गर्मियों की सारी, आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स लिए हुए हैं बेडशीटों के, तो आज ये मैंने ब्राउन बेडशीट बिछाई है, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे अच्छी लग रही थी बेडशीट। ज़रा आए ज़रा बाहर विंडो से झांक के देखते हैं, थोड़ी देर तक तो मैंने खाना वाना बनाना है दोपहर का। बाहर जो है वो सब्ज़ी बेचने वाले, दूर तक गली में वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं आपको फोकस हो रहा है कि नहीं। हाँ ये हमारे घर के सामने ना बहुत तंग और तारीख सी गली है, लेकिन गर्मियों में यहाँ से गुजरना बहुत आसान लगता है क्योंकि यहाँ बिल्कुल धूप नहीं पड़ती, बड़ा सुकून होता है। मैं गर्मी की सोच रही हूँ कि एक दो दिन तक जो है वो ज़रा थोड़ी अपने किचन की डिटेल सफाई वगैरह करूँ, वो आपको दिखाऊंगी कि किचन की डिटेल सफाई कैसी कर रही हूँ। बच्चे अपने प्ले टाइम में लगे हुए हैं, थोड़ी देर तक इनको पढ़ाने का भी कुछ करना पड़ेगा कि कुछ पढ़ लें। सुबह आपको जूते दिखाए थे मैंने, अभी जूते अपने लेके आई थी, अपनी बेटी के भी लेके आई हूँ, इसके बड़े प्यारे जूते हैं, मैं इसके जूते आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसने पहने में पाँव में, ये देखिए ना कितने स्मार्ट जूते हैं इसके। फातिमा डू यू लाइक दिस शूज, डू यू लाइक दिस शूज फातिमा, आप बताएं तो सही, ऊंचा बोले ना, यस आई डू, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये क्रिस्टल टाइप है और कंफर्टेबल भी है, बच्चे जूते बिल्कुल भी नहीं पहनते, सारा टाइम इनका यही होता है कि जूते ना पहने, अभी मेरे बेटे ने भी उतार के ये साइड पे रखे, जूते बिल्कुल नहीं पहनते, और मैं बहुत खफा भी होती रहती हूँ इनको, जूते तो पहनो कम अज़ कम नंगे पैर पे। तो असल में बच्चे भी क्या करें, गर्मी होती है, अब गर्मी में दिल नहीं कर रहा होता आपका कि आप जूते पहने या बस फिर पता नंगे पाँव घूमें। चलें भाई आज का ये व्लॉग है, एक दो रेसिपीज़ हैं वो भी शेयर करूँगी एक दो दिन में आपके साथ, किचन की डिटेल सफाई भी शेयर करूँगी कि वो मैं कैसी कर रही हूँ आपके साथ, आप देखा करें मेरे व्लॉग्स को, व्यूज़ बहुत कम होते हैं, व्यूज़ तो फुल वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखा करें अच्छे से।